नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ इन दो वेरिएंट के बारे में। ये है फील वेरिएंट और ये है फील विद वाइब पैक वेरिएंट। अब भाई ये अलग वेरिएंट क्यों है उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, और कितने एक्स्ट्रा पैसे लेती है कंपनी इस वेरिएंट के लिए। अगर आप में आओगे ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे शोरूम आके समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये अलग वेरिएंट कैसे है, इसमें क्या ऐसा अलग दे दिया कि अलग वेरिएंट बना दिया, किस चीज के इतने एक्स्ट्रा अलग पैसे ले लिए हमसे। तो थोड़ा सा भाई दिमाग में खटकेगी वो बात, तो वो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर दूंगा। अगर कोई सिट्रोन C3 को लेने का इच्छुक है तो वो भाई ये वीडियो देख के थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कौन सा वेरिएंट उसको लेना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे दे के कुछ ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए या भाई थोड़ा सा पैसे बचा के ये वाला वेरिएंट यानी कि फील वेरिएंट उसको ले लेना चाहिए। सबसे पहले फील वेरिएंट के बारे में बताऊं, ऊपर आपको यहाँ पे इसमें ये क्रोम मिल जाएगा और सिट्रन का ये लोगो मिलेगा। नीचे इसमें ये स्किट प्लेट मिल जाएगी मैट सिल्वर कलर की, फोग लैंप नहीं मिलेंगे, DRL जरूर मिल जाएगी, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर हैलोजन मिलेगा, हैलोजन इसमें हेडलैम्प मिल जाता है। इसमें देखते हैं क्या अलग है उस वाले वेरिएंट में। देखो फ्रंट में कोई भी ऑरेंज कलर नहीं है, इसमें यहाँ पे ऑरेंज कलर ये देखने को मिल गया आपको। साइड में ORVM ऑरेंज कलर के हैं, उसमें ब्लैक कलर के हैं, यहाँ पे साइड में ऑरेंज कलर है और साइड में ब्लैक कलर की आपको मोटी सी इस पर क्लैडिंग मिल जाएगी। लेकिन जो फील पैक है उसमें आपको वो क्लैडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई ऑरेंज कलर है। इस वाले वेरिएंट में फोग लैंप नहीं है, इसमें फोग लैंप है। ये है भाई वाइब पैक जो कंपनी अलग वेरिएंट के नाम से बेचती है। चेंज कुछ नहीं है, एज एसेसरीज भी है, कंपनी इनको बेच सकती थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, सस्ता दिखाने के लिए कंपनी ने ये वेरिएंट बना दिए। फील में ही 4-5 वेरिएंट बना दिए। एक इसमें आपको ड्यूअल टोन मिल जाएगा, फील विद ड्यूअल टोन मिलेगा, एक फील विद वाइब पैक मिलेगा, एक फील विद वाइब पैक विद ड्यूअल टोन मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके कंपनी ने 4-5 वेरिएंट बना दिए और एक बेस वेरिएंट है। तो भाई ये था पूरा फंडा, दो ही वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं, एक बेस और एक ये फील। बेस वेरिएंट वो खड़ा वहाँ पे, तो इसका जो कंपैरिजन आपने देखना है बेस वेरिएंट का और टॉप वेरिएंट का, फील वेरिएंट का, तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने बनाया है। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये वाइब पैक जो कंपनी बेचती है अलग वेरिएंट के नाम से, वो क्या फंडा है। तो भाई फंडा यही था, ये कुछ एसेसरीज हैं 2-3 वो कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है। अब भाई इनका प्राइस भी बताऊंगा, वीडियो को देखते रहो, बाकी और चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। साइड में इसमें देखे पहले वाइब पैक में क्या मिलेगा हमें, तो ये देखो भाई यहाँ पे जो टायर दिए गए हैं डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ सेम है। 15 इंच के इसमें टायर मिलेंगे ब्लैक कलर के रिम के साथ, फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिलेगा, ORVM है वो भाई ऑरेंज कलर का मिलेगा, साइड में क्लाइडिंग मिल जाएगी और डोर हैंडल बॉडी कलर्ड है। यहाँ पे मिल जाएगा इसमें ये की होल, ए पिलर बी पिलर मिलेगा मैट ब्लैक कलर के टेप के साथ, छत के ऊपर यहाँ पे इसमें ग्लोसी ब्लैक कलर की रूफ रेल मिलेगी, सिंपल वाला एंटीना। बस भाई ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब इसमें दिखाता हूँ आपको टायर, सबसे पहले दिखाऊं तो सेम है, कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे सेम डिज़ाइन है, सेम यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा 15 इंच का, वही 195/65 R15। फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, इसमें ऑरेंज कलर के हैं, इसमें ये ग्लोसी ब्लैक मिल जाएंगे, ए पिलर मैट ब्लैक कलर की टेप के साथ मिलेगा, बी पिलर भी, और यहाँ पे ये इसमें रूफ रेल मिलेगी, एंटीना वहाँ दिया गया है, बॉडी कलर डोर हैंडल है, नीचे क्लैडिंग भाई इसमें नहीं मिलती। ये हो गया साइड में चेंज। अब देखते हैं रियर प्रोफाइल में चेंज, सबसे पहले ये दिखा दूँ आपको, यहाँ पे वाइपर डिफोगर वॉशर कुछ नहीं मिलेगा, हाई स्टॉप लैंप है, सिट्रन का यहाँ पे आपको बैज मिलेगा, लोगो मिलेगा और वहाँ पे C3 का जो मॉडल है वो लिखा गया है। और भाई यहाँ पे ये इसकी पूरी हैलोजन सेटअप मिलेगा जो इसकी टेल लाइट दी गई है, सिट्रन की यहाँ पे भी ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे इसमें जो रिफ्लेक्टर दिया गया उसकी साइड में ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे दो इसमें पार्किंग सेंसर मिलेंगे, जो इसका बूट है वो ओपन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसमें बटन दिया गया है, मैग्नेटिक बटन। जो इसकी स्किट प्लेट है वो ब्लैक कलर में ही मिलेगी। अब देखते हैं फील वेरिएंट में, C3 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, सिट्रोइन यहाँ पे लिखा गया है, टेल लाइट ये पूरा हैलोजन सेटअप है सेम है, वाइपर डिफोगर वॉशर इसमें भी नहीं मिलेंगे, हाई स्टॉप लैंप है, और भाई नीचे दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, ब्लैक कलर का बम्पर है, यहाँ पे आपको वो ऑरेंज कलर नहीं मिलेगा, बाकी और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसमें भी सेम वही इलेक्ट्रिक बटन आपको मिल जाएगा, पार्सल ट्रे मिलेगी, नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा 14 इंच का, और इसमें भी पार्सल ट्रे मिल जाएगी 14 इंच का, इसमें भी आपको नीचे ये देखो मिल जाएगा यहाँ पे स्पेयर व्हील ब्लैक कलर के रिम के साथ, 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है सिट्रोइन C3 में। अब चलते हैं भाई इनके इंटीरियर में, वहाँ पे देखते हैं और क्या कुछ चेंज है। डोर दिखा दूँ तो भाई दो कलर में मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर मिलेगा, ये पूरा ब्लैक मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक है, दो पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ पे सिल्वर साटन फिनिशिंग मिल जाएगी, स्पीकर यहाँ मिलेगा, सिंपल यहाँ पे आपको ये ORVM मिल जाएगा, मैनुअली इसको एडजस्ट आप कर पाएंगे, सीट हाइट एडजस्टेबल है और ऊपर यहाँ पे इसमें फिक्स हेडरेस्ट मिलेगा। और भाई ये देखो इसका जो डैशबोर्ड है 10 इंच का, इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ऑन करके भी दिखा दूँ, जब तक आपको ये दिखाता हूँ इसका क्लस्टर, यहाँ पे भाई इसमें डिजिटल पूरा ये क्लस्टर
यहाँ पे भाई डिजिटल इसमें ये क्लस्टर मिल जाएगा और साइड में ये कुछ वार्निंग लाइट्स मिलेंगी। स्पीडोमीटर वहाँ पे है, ये पूरा डिजिटल स्पीड यहाँ पे शो करेगा। ओडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह ये इसमें चीज़ें शो करता है, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे ये फ्यूल शो करेगा, ये टेम्परेचर शो करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें अलग टेक्सचर मिलेगा, कंट्रोल मिल जाएंगे सीटरन का। यहाँ पे आपको बैज लोगो मिलेगा, एक एयरबैग यहाँ पे है, एक मिलेगा वहाँ पे। और भाई ये डे नाइट एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलता इसमें, देखो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है। और नीचे मैनुअल इसमें ये एसी मिलेगा, USB पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, कप होल्डर मिल जाएगा। गियर नॉब भाई हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलेगा, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा बीच में, मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है और ये यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर इसमें मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स भाई कोल्ड नहीं मिलता, ये देख सकते हैं आप, सिंपल वाला इसमें ग्लव बॉक्स मिलेगा। थोड़ा सा भैया ब्लोर चल रहा था, आपको हवा तेज़ आई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। की दिखा दूँ तो ये देखो इस टाइप की इसमें की मिलेगी ये, और यहाँ पे ये चाइल्ड लॉक के लिए इसमें बटन मिलेगा। हेडलाइट लेवलर वहाँ दिया गया है। ये हो गया भाई इसका फ्रंट। अब दूसरे वाले वेरिएंट में दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई सीट का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये इसमें कलर चेंज आएगा, ऑरेंज कलर। ये अगर आप वाइब पैक नहीं लेंगे ना, प्लेन ये वाला लेंगे, तो उसमें भी आपको ऑरेंज ही मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर में चेंज नहीं आता। इंटीरियर आपको सारे वेरिएंट में बिल्कुल सेम ही मिलता है। यहाँ पे ये सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक है। यहाँ पे 10 इंच का सेम म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। नीचे मैनुअल ये क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सिल्वर टेक्सचर, सेम यहाँ पे गियर नॉब है, और ये मिल जाएगा इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। स्टीयरिंग ये भी बिल्कुल सेम है भाई, यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे। और इसको दिखाता हूँ ऑन करके एक बार, ये देखो डिजिटल मिल जाएगा ये इसका पूरा यहाँ पे क्लस्टर। आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो दिखा दूँ तो ये भी सारे फंक्शन बिल्कुल सेम है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या चल गया था, ये बिल्कुल भाई सेम है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी सारे कंट्रोल वगैरह बिल्कुल सेम है। अब इसमें फॉग लैंप लग गई तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन आपको मिलेगा, बाकी कोई भी इसमें चेंजेज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते। अब ये फील विद वाइप पैक था, ये देखो इसमें भी सिंपल वाला यहाँ पे IRVM दिया गया है। ये इसका फ्रंट रो था। सेकेंड रो में दिखाऊँ तो ये देखो सेकेंड रो में यहाँ पे आपको पूरी बेंच सीट मिलती है, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है बीच में, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाएंगे, पावर विंडो पीछे वाली जो विंडोज़ हैं उनके लिए ग्रैब हैंडल पीछे, कोई भी इसमें लैंप वगैरह नहीं मिलेगा। और भाई इस वाले वेरिएंट में दिखाऊं पीछे तो यहाँ पे भी ये देखो डोर पैनल वही ब्लैक कलर में ही है सारा कुछ। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे, पावर विंडो के कंट्रोल हैं ऊपर, ये देखो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसी की वैसी हैं जैसे दूसरे वेरिएंट में थी। सीट भी बिल्कुल वैसी है, 3 सीट बेल्ट हैं, फिक्स हेडरेस्ट वगैरह सब चीज़ें भाई एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे फील विद वाइप पैक में थी। तो ये था भाई इसमें जो मेन डिफरेंस था। मैं इसकी सीट और दिखा दूँ, इस साइड से मैंने सीट नहीं दिखाई थी ना ड्राइवर साइड की, नहीं तो भाई बोलोगे उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थी। तो ये देखो बिल्कुल सेम सीट है, सेम सारी चीज़ें मिलती हैं हर एक वेरिएंट में, कुछ भी चेंज नहीं है। इनके इंजन के बारे में बता दूं तो भाई इसमें आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, कंपनी 19 की माइलेज क्लेम करती है। और भाई अगर मैं इसकी पावर बताऊं तो 81 BHP की पावर मिलेगी और 115 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाएगा। कीमत में कितना डिफरेंस आया वो बताता हूँ आपको, ये वाला वेरियंट है 7,08,000 रुपये का और ये वाला वेरियंट है 7,23,000 रुपये का। तो कंपनी ने अलग वेरिएंट ही बना दिया, आपको ये नहीं बोला कि आपकी मर्जी है, आप लगवाना चाहो लगवा लो, नहीं लगवाना चाहो तो नहीं, पीछे से ही ये वेरिएंट भाई तैयार होकर आता है। फायदा ये है जैसे आपने टाटा की गाड़ियों में देखा होगा ना, पंच में आता है बेस वेरिएंट में प्योर विद रिदम पैक, एडवेंचर विद रिदम पैक, तो सेम इसमें भी वैसे ही है, फील विद वाइब पैक आएगा, फील विद ड्यूअल टोन आएगा, वो पीछे से ही आएगा कंपनी से। यहाँ शोरूम में कुछ भी चीज़ें इसके ऊपर नहीं लगाई जाती, जो पीछे से आया वैसे का वैसे आपको दे दिया। तो ये था भाई, अब सब बोलते हैं ना टॉप वेरिएंट में भी सिंपल वाले ORVM दे रखे हैं, लेकिन अब नहीं होगा, टॉप वेरिएंट में भाई सिंपल वाले ORVM नहीं मिलेंगे, अलॉय व्हील भी मिल जाएंगे, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिलेंगे और कई उसमें एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो अब तक C3 में आपने नहीं देखे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है ये गाड़ी और शोरूम के ऊपर भीड़ भी देखी जा रही है। कंपनी ने सोचा कि सस्ते सस्ते का ढोल काफ़ी पीट लिया, अब थोड़े से फीचर डाल दिए जाए, जिसको फीचर चाहिए वो ऊपर वाला वेरिएंट ले लेगा, जिसको भाई फीचर नहीं चाहिए तो वो फील वेरिएंट ले लेगा या फिर इससे बेस वाला वेरिएंट जो होता है इससे नीचे वाला,
वो ले सकता है। अभी तो इनका एक नया प्रोडक्ट और आने वाला है C4, C3 है, C5 है, बीच में खाली था C4, वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, 2023 में ही देखने को मिल जाएगा भाई वो भी। तो भाई ये था आज का वीडियो कंपैरिजन इन दो वेरिएंट के बारे में। वाई पैक में क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो बताना था मेरे को, वो मैंने बता दिया। कितना कीमत में डिफरेंस है वो बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।